अठहत्तरवीं आजादी हम सबको बहुत बहुत मुबारक। फ्लैग होस्ट हो रहा है, जोरदार तालियां। सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान मेरे अजीज हमवतन साथियों, आज हम यौम आज़ादी के 78वीं सालगिरह मना रहे हैं। आज ही के दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ। ये आज़ादी हमें कई कुर्बानियों के बाद हासिल हुई है। आज के दिन हम उन तमाम शहीदों को भी याद करते हैं जिन्होंने हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान को कुर्बानी दी। आज़ादी के बाद हमारे मुल्क ने तरक्की के कई मरहले हासिल किए हैं। जम्मू कश्मीर की तरक्की में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक अहम किरदार रहा है। श्रीनगर शहर के लिए बुनियादी कामों को जिम्मेदारी से अंजाम देकर एसएमसी के इस मजबूत परिवार ने शहर को सहूलत फराहम की है। तरक्याती कामों की बात करें तो एसएमसी में इस साल कैपेक्स बजट में लगभग 150 करोड़ की लागत से तकरीबन 1450 कामों को अंजाम दिया जाएगा। इनमें 350 करोड़ की लागत से पूरे होने वाले 11 ड्रेनेज स्कीम्स, 36 करोड़ की लागत से पूरे होने वाले 120 किलोमीटर रोड मैग्नमाइजेशन वर्क्स और 11 करोड़ की लागत से पूरे होने वाले 110 किलोमीटर रोड अपग्रेडेशन वर्क्स शामिल हैं। अमृत 2.0 में 180 करोड़ की लागत से पूरे होने वाले कामों से लगभग 45,000 घरों को पानी के कनेक्शन के लिहाज से फायदा पहुंचाया जाएगा। इन प्रोजेक्ट में 14 ओवरहेड टैंक्स, 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, 2 रॉ वाटर सप्लाई स्कीम, 2 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्कीम, 1 हाइड्रोलिक मॉडलिंग शामिल है। हमारे मेहनती और काबिल सैनिटेशन वर्कर्स के बदौलत श्रीनगर शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग ला पाया है। श्रीनगर के 15 लाख शहरियों को डोर टू डोर कलेक्शन की खिदमत देकर एसएमसी का हर एक मुलाजिम बिना मौसम की फिक्र किए हुए अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देता है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के चलते 100 करोड़ की लागत से होने वाले कामों को भी इस साल मुकम्मल किया जाएगा। एसएमसी के हर मुलाजिम को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि काफी वक्त से रुके हुए डीपीसी प्रमोशन के मसाइल भी इस साल हल किए जाएंगे। आज के दिन हम सब ये अहद लेते हैं कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। आप सबको एक मरतबा फिर आज के इस मुबारक दिन की मुबारकबाद देते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद।